मैं ओंकार सिंह शेखावत। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को बहुत तेज़ी से कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, लैंग्वेज के अंदर दो हिस्से होते हैं, ग्रामर और वोकेबलरी। अब ग्रामर तो लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, वो उसने कोई व्याकरण नहीं पढ़ा होता, लेकिन अपनी मदर टंग को सुनते 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 और समझने की कोशिश करते हुए वो बोलना भी सीख जाता है और कहे हुए को समझना भी सीख जाता है। तो ग्रामर आपको आ जाएगी, आपकी रीडिंग प्रैक्टिस अगर है, रीडिंग हैबिट है, अगर आपने कोर्स की किताबें भी पढ़ी हैं, तो भी आपकी ग्रामर समय के साथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये कॉमन सेंस से जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं वो हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर आप कोई ख़ास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वर्कशीट्स अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पे, वो वर्कशीट आप खुद सॉल्व करना शुरू करिए तो आपकी ग्रामर में गलतियां कम होती चली जाएंगी। अब दूसरा हिस्सा होता है वोकेबलरी, क्योंकि वोकेबलरी से ही आपकी लैंग्वेज में जान आती है। अगर आपके पास वर्ड्स की ताकत है, आप अल्टरनेट वर्ड्स को इस्तेमाल कर पाते हैं, कॉमन से कुछ हटके लिख पाते हैं, तो आपका बोला हुआ लोग सुनते हैं और आपका लिखा हुआ लोग पढ़ते हैं। और यही तो हम चाहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन है, वो दूसरों को पसंद आए और हम जो कहना चाहते हैं वो सही सही सुनने वाले को समझ में आए। अब सवाल ये उठता है कि वोकेबलरी बिल्ड कैसे की जाए, क्योंकि इसमें तो बहुत समय लगने वाला है। देखिए, ऐसा नहीं है, मेन चीज़ ये है कि वोकेबलरी हो या कोई भी चीज़, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट पैदा हो गया तो फिर सीखने में मज़ा आने लगता है। और ये अब इंटरेस्ट कैसे पैदा हो, अब मैं अपनी बात बताता हूँ। देखिए, मैं तो शुरू से ही हिंदी मीडियम में पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, और मेरी भी ख्वाहिश थी दूसरे बच्चों की तरह कि मुझे इंग्लिश आए बहुत अच्छी, बोलनी नहीं आए तो लिखनी ही आए कम से कम। और मैं इसके साथ ही रह रहा था, कभी पढ़ भी लेता था किताबें, लेकिन इसी बीच मेरे एक मित्र ने मुझे एक किताब दी, और वो किताब थी नॉर्मन लेविस की, वर्ड पावर मेड इजी। एक बार फिर सुन लीजिए, नॉर्मन लेविस की वर्ड पावर मेड इजी। ये दुकान आसानी से किताबों की दुकानों पर मिलती है, रेलवे स्टॉल्स पर भी मिलती है, इवन रद्दी में भी कहीं आपको पुरानी मिल जाएगी, या कहीं बुक मार्केट है पुरानी किताबों का तो मिल जाती है, किसी से सेकंड हैंड भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें नए जैसा कुछ नहीं होता। नॉर्मन लेविस ने बहुत 30-35 साल पहले ये किताब लिखी थी, वो इतनी भी पुरानी मिल जाए तो अच्छी है। और आपको ये भी बता दूं बीच में कि मैं ये कोई बुक की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैंने कोई लिंक दिया है, लेकिन जिस बुक ने मेरे ऊपर असर डाला, वो अगर उसकी मार्केटिंग होती है तो होती है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। अब उस बुक के अंदर था क्या कि वर्ड ओरिजिन्स और रूट वर्ड्स दिए हुए। वर्ड ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि काफ़ी सारे वर्ड ऐसे हैं जो कहीं कहीं से पैदा हुए हैं, उनकी हिस्ट्री है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हाईवे है। अब हाईवे तो हाई ऊंचा तो होता ही नहीं, वो तो चौड़ा होता है, इसलिए उसको ब्रॉडवे कहना चाहिए, लेकिन हाईवे को हाईवे क्यों कहते हैं, ये नॉर्मन लेविस ने एक्सप्लेन किया है, और उसी बुक में से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पुराने ज़माने में जो सभ्यताएँ थी, रोम और मिस्र और यूनान, उनमें लोग व्यापार करते थे, भारत से भी लोग व्यापार करते थे, बगदाद जाते थे, तो रास्ते में लुटेरों का डर होता था। जो व्यापारी कारवां में चलते थे, काफिलों में चलते थे, लेकिन रास्ते में लुटेरे लूट ही लेते थे, चाहे वो कितनी सावधानी बरतें। तो इस बात की शिकायत उन्होंने राजाओं से करी कि भाई हमारी सुरक्षा का कोई बंदोबस्त हो। अब देखिए, उनको कोई सिक्योरिटी तो दी नहीं जा सकती, इतने लोगों को, बहुत सारे व्यापारी जाते थे, इसलिए राजाओं ने क्या, और राजाओं को भी व्यापार की ज़रूरत होती है, आमदनी होती है टैक्स से, तो उन्होंने क्या किया, जो सड़कें थी, कच्चे रास्ते ही थे, उनमें मिट्टी डाल डाल के उनको बहुत ऊंचा बना दिया,
ऊंचा बनाने से क्या हुआ कि जो ट्रैवलर थे यात्री, वो चलते तो हाइट पे होते थे और उन पे कोई आसानी से हमला नहीं कर सकता था, और करता भी तो वो ऊपर से उसको आसानी से रेजिस्ट कर सकते थे। इस तरह से व्यापार करना थोड़ा आसान हो गया। और ये जो बड़े शहरों को जोड़ने वाले जो रास्ते थे, इनको इनकी हाइट के कारण हाईवे कहा जाने लगा। और बाद में तो समय बदला और उन काफ़ी चेंज आए, पक्की सड़कें भी बनने लगी, और सड़कें अब चौड़ी होती थी क्योंकि ऊंचा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे जैसे दुनिया में सभ्यता आगे बढ़ी तो ट्रांसपोर्ट के साधन विकसित होते गए, लेकिन कहते अब भी उसको हाईवे ही है। तो अब जब आप ऐसी कहानी, वर्ड बहुत सारे वर्ड्स की कहानी दी हुई है उसमें, जब आप ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा हो जाएगा। और एक नॉर्मन लेविस ने क्या किया है कि जो रूट वर्ड, यानी हमें हर वर्ड को अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं होती, एक रूट वर्ड से 20-20 वर्ड बन जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और पांच शब्द आपको सिखा भी देता हूँ लगे हाथ, जो कि आपको पहले ही आते होंगे लेकिन अब आप उनको कनेक्ट करने पाएंगे। जैसे कि ट्रांस होता है, ट्रांस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह। अब ट्रांसपोर्ट देखिए, पोर्ट का मतलब ले जाना, ट्रांसपोर्ट जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसफ़र दूसरा वर्ड है, ट्रांसफ़र का मतलब किसी आदमी को एक जगह से दूसरी जगह अगर उसकी पोस्टिंग कर दी जाए तो उसको ट्रांसफ़र कहते हैं। अब है ट्रांसैक्शन, हम बैंक में जाते हैं और कुछ पैसे जमा कराते हैं या लेते हैं या किसी से लेन देन करते हैं, तो वो क्या हो गया, ट्रांसैक्शन। और ये ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन बिजली के तारों से बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो ये ट्रांसमिशन हो गया। अब देखिए कितनी फटाफट आप पांच वर्ड सीख गए, और हो सकता है आपको पहले से आते हों लेकिन ये एक धागे में पिरोए गए। अब ट्रांस से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा आपको मालूम है कि इसका मतलब है कोई न कोई चीज़ एक्सचेंज हो रही है। तो इसी तरह से री का मतलब होता है दोबारा। अब री से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, री अपीयर, रजिस्ट, रेस्पॉन्ड, इस तरह से 20 वर्ड, 25 वर्ड कोई बनते होंगे। तो इस तरह से रूट वर्ड में एक बार आप चले जाएंगे और उसका अर्थ जान जाएंगे तो उससे लगे लगे सारे वर्ड जान जाएंगे। देखिए पांच वर्ड मैंने आपको बता दिया, और इसके अंदर कुछ वर्कशीट भी दी हुई है किताब के अंदर, उन वर्कशीट्स को आप भरेंगे। देखिए इंटरेस्ट पैदा होने से लैंग्वेज नहीं आ जाती है किसी को, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको रास्ता मालूम है कहीं का तो उससे नहीं पहुँचेंगे, रास्ते पर चलना पड़ता है तब पहुँचेंगे। तो अगर आपको वोकेबलरी बिल्ड करनी है तो ये जो है नए वर्ड्स को सीखना शुरू करिए, हंट करना और उसका ओरिजिन क्या है। और अगर आप ये किताब भी नहीं खरीद सकते, इंटरनेट पे आप रूट वर्ड्स, वोकेबलरी थ्रू वर्ड ओरिजिन्स, इस तरह आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा मसाला मिल जाएगा। मेन चीज़ ये है कि वोकेबलरी के अंदर आपका इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। और अगर आप, जैसा कि मैंने कहा कि रास्ता जानने से आप मंजिल पे नहीं पहुंचते, एक और चीज़ है साथ में कि और भी आपको सॉलिड वोकेबलरी बनानी है तो एक जर्नल लिखना शुरू करिए, यानी डायरी लिखना शुरू करिए। और मेरे तो सिरहाने रहती है डायरी, मेरे कोई ख्याल भी आता है तो मैं उसको तुरंत लिख लेता हूँ। इस तरह से आपने आज क्या किया, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी प्लान्स क्या हैं, इनको खामखाई किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसको, लेकिन लिखिए, हाथ चलाइए, तो अब आप देखेंगे कि आपकी वोकेबलरी बहुत तेज़ी से बिल्ड होगी और वर्ड हैं वो खुद चल चल के आपके पास आएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।